देख के आपको क्या लग रहा है? यही कि अभी अभी सो के उठ रहा हूँ और अभी टाइम बज रहा है 5:30 AM और मैं रात को सोया था 2 बजे। और 1 मिनट, अभी उस तरह तो मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहा, लेकिन यार फ्रेश हो गया हूँ। और लिटरली जब मैं मुंह धो रहा था अपना, तो पानी आंखों पे लगा, मेरी आंखें जल रही थी। यार अभी मैं 5:30 बजे, मेरा उठने का मकसद था कि यार मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि मैं हाइकिंग पे जाऊँ, तो आज वो दिन आ गया कि यार मैं काफ़ी सुस्त बंदा हो गया हूँ। पहले जो मेरे प्लान्स होते थे, जो जैसे मेरे दिल में आते थे, मैं उनको करने की कोशिश करता था। यार पिछली दफ़ा भी जब मैं हाइकिंग पे गया था, और इस दफ़ा भी जब मैं हाइकिंग पे गया हूँ, तो मेरे साथ एक मसला हुआ है। वो मसला मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यार हुआ है। मेरा जो प्लान था, वो मेरा प्लान था कि मैं 6 बजे तक घर से निकल जाऊं, लेकिन अभी 6 से ऊपर हो गए हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं। और अभी मसला ये है कि यार मेरे पास ये पानी की बोतल है लेके जाने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पानी की बोतल हाथ में लेके जाऊँ या बैग में लेके जाऊँ। ट्रेल 5 पे पहुंच गए हैं, तो मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ये बर्थडे बॉय भी आया है। बात कर दे बर्थडे बॉय, ये व्लॉग नंबर 3 वाले भैया हैं। और अभी हमने डिसाइड किया कि हम 23 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। और ये 23 किलोमीटर की जो हाइक है, ये सिर्फ जाने की है, मतलब कि सिर्फ एक साइड की हाइक है। वापसी पे 23 किलोमीटर हमें अलग आना पड़ेगा। अभी कितना रहता है? हमने 23 किलोमीटर से ज़्यादा था, हम बुक गए बस। 23 किलोमीटर -1.5 अभी रहती है। यार मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, एक काछे में 3 लोग, बूझो तो जानो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, और इसका जो आंसर होगा वो ब्लॉक एंड पे, जो मेरा लास्ट पार्ट है उसके एंड के बाद में दे दूँगा आपको। यार अगर आपको मेरा ब्लॉग का एंड पार्ट आपने कभी नहीं देखा, तो आपको इतना बता दूं कि मेरे ब्लॉग पे एक एंड पार्ट भी होता है, खुदा हाफिज़ या ख़त्म शुद के बाद। जो मेरा ब्लॉग होता है उसके रिलेटेड जो फ़नी पार्ट होता है, मैं वहाँ पे वो अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखते, तो आज से आप लोग देखिएगा ज़रूर। आप क्या समझे कि व्लॉगिंग इतनी आसान है? नहीं भाई, आपको जगह जगह कैमरे फिट करने पड़ते हैं। आपका 1 मिनट का सफ़र 2 मिनट में जाता है। एक जगह 1 मिनट आप कैमरा फिट करने में लगाते हो, फिर 1 मिनट आप वापस पीछे जाते हो चलने के लिए। लो जी, फिर गोरी और सॉरी पानी आया। ये अभी भी इतना पानी नहीं है, जिस लास्ट टाइम विज़िट किया था काफ़ी पानी था, लेकिन अभी काफ़ी सूख चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। यार हमने मजाक नहीं किया था, हम सच में 23 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, लेकिन वो हम आपने कैलकुलस पढ़ी होगी ना, तो आप अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, तो ये 23 जो है कांस्टेंट ट्रीट करके ना, ये 0 हो जाएगा, मतलब कि हम हाइकिंग ही नहीं कर रहे। नहीं, हम 23 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन हम उसका डेरिवेटिव लेके जाएंगे, बस इतनी सी बात थी। अगर जाने आज 23 किलोमीटर हम चले गए, क्या खिलाएगा मुझे? यार पहले मैं खुद तो 23 किलोमीटर पर जा जाऊँ, तुमने खिलाना, मेरी हालत मरने वाली हो जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं, वो खिलाएगा तू ही मुझे, वो पहले पहुँच जाएंगे। इकरा तुम सिर्फ मेरी थी, लेकिन ये हारिस, अहद, यामीश, ये सारे कौन है? आफाक यार, और ये मोइन भी है, नदीम भी है एक। यार ये क्या है यार, तुम तो मुझे धोखा दे रही हो। यार ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर मैं आज तक कभी नहीं गया। मैं इससे पहले 3 दफ़ा आया हूँ, लेकिन मैं इससे ऊपर कभी नहीं गया, लेकिन आज हमने 23 किलोमीटर की हाइक करनी है। डेरिवेटिव एक्स ले रहे हैं, लेकिन फिर जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। दुनिया को क्या पता मैं यहाँ पर आया हूँ।
उस दिन अपने गेमिंग गया था काफ़ी अर्से के बाद, और वहाँ पे मुझे ना मेरे एक भाई मिले थे आसिम भाई ना, उन्होंने मुझे बताया था कि आपके मैंने वीलॉग्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे बना रहे हो। और यार लिटरली यहाँ से दिल से खुशी हुई थी कि यार किसी को बच्चे का दिल रखे थे। यार यहाँ से खुशी हुई थी कि किसी को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। किधर से हुई थी? यहाँ से। तो आसिम भाई इफ यू आर वॉचिंग दिस, ये आप देख सकते हैं ये बड़ी मेहनत से अपना नाम गाड़े हैं पत्थर से, बट्टे पे तो नाम नहीं लिखा गया तो इन्होंने दरख्त नहीं छोड़े। और यार शुक्र है हम अमार को साथ भी नहीं लेके, वो इतना मोटा है उसने तो ऊपर आना नहीं होता। और अगर आप हाइकिंग पे आते हो ना तो आप लड़कियों के साथ ना लेके आना यार, वो आधे रास्ते में यार हम थक गए हैं यार वो हम और ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आपका जो सारा प्लान है ना वो सारा रियून हो जाता है। तो बस उन्हीं बंदों के साथ आओ जो मोटिवेटेड हो और ऊपर जाने के लिए तैयार हो। यार अभी हम लोग ये यहाँ पर हैं, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं चोटी पे, ऐसा चोटी पे जी सेवन वाली चोटी पे जा रहे हैं अभी हम। तुम्हें हम बड़ा मिस कर रहे हैं, तुम आ रहे नहीं हो, चोटी हमारा वेट कर रही है। नसरीन 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 चोटी तुम कहाँ हो चोटी 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 हम आ रहे हैं चोटी 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 वहीं पे रहना। टैक्सी रास्ता चेक कर रहे हैं आप, अरे है बस चोटी हम आ गए हैं, तकरीबन हम पहुंच गए हैं। यार सारी हाइकिंग करने के बाद ये वाली हाइकिंग यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर सबसे मुश्किल हाइकिंग ये है, लेकिन ये दिस वर्थ इट ब्रो, हमारा मकसद यहीं पे पूरा होना है। बस ये हमारी थोड़ी सी हाइक रह गई है, बिल्कुल बस तकरीबन हम पहुंच गए हैं, हम चोटी पे पहुंचने वाले हैं। या स्पाइडरमैन यार, हेयर वी आर इस्लामाबाद हमारे पीछे, हम इस्लामाबाद के आगे। बस यार हाइकिंग हमारी कंप्लीट होती जाती है, अभी हमने यहाँ पर करीम मंगवानी और यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। पता नहीं शहबाज शरीफ यार, अगर आप तो मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, पहले तो आप सब्सक्राइब कर देना, और दूसरी बात यार यहाँ पे हमें इतना चल के आना, यहाँ पर यार कोई जानी मोटरवे का कोई सीन चीन यार, मोटरवे बनाओ, हम गाड़ी में आएंगे बस वापस चले जाएंगे, ये व्यू देखना है ना, तो यार मोटर पे बनाओ। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। हम चोटी पे आ गए थे लेकिन अभी हम लोगों ने और ऊपर जाना है, अभी और ऊपर काफ़ी है, और ऊपर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऊपर पीस हुआ हुआ है, उधर से हम किसी से लिफ्ट लेके चले जाएंगे, कौन अब नीचे बार बार पैदल जाए, नाश्ता करेंगे हम लोग वहाँ पर अभी। आई डोंट नो कितना रास्ता रहता है, हालत हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, तो हम वापस अब रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ से जाएंगे किसी से लिफ्ट लेंगे और उसके बाद नाश्ता करके वापस लिफ्ट लेके बस वापस रावलपिंडी वो पीछे। यार रेस्ट करने के बाद हमने उस वक्त बज रहे थे 10:05, हमने डिसाइड किया था कि अगर रोड नहीं तो हम नॉन स्टॉप 10:20 तक हाइक करेंगे, लेकिन अभी बज रहे 10:07 और हम रेस्ट यार नाश्ता सारा कुछ होने के बाद, रास्ता वगैरह भटकने के बाद आखिरकार ये हमें होप नज़र आ गई है, वी आर रेस्क्यूड ब्रो, अब हम जाएंगे हम नाश्ता करने जाएंगे ये आई लव यू बदेक। और यार फाइनली ये हम रोड पे आ गए हैं, ऑल द डाउन फ्रॉम जू टू दिस पीर सोहावा रोड। यार स्केटिंग होती हमें यार मज़ा तो बहुत आया, लेकिन यार मेरी टांगें कांप रही हैं सच में, नाश्ता नहीं किया ना, सुबह कुछ खा के आए हैं हम दोनों और हमारे पास पानी भी ख़त्म हो गया,
तो अभी हम यहीं पे भटक रहे हैं किसी होटल की तलाश में नाश्ता करने के लिए। मेरी तो हट गई है रेहान भाई, आपकी हटी तो नहीं? बस बस नहीं लगी लगी, मैं उठाने लगा। बस यार अभी ये कोई लिफ्ट वाला मिले उससे लिफ्ट लेके बस हम जाएं। यार लिफ्ट भी मिल गई है और उन्होंने हमें लिफ्ट पर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब इनके साथ हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे। काछे में तीन लोग, बूझो तो जानो, दिखाओ इनको कैमरे में, दिखाओ ना। एक दो तीन, ये